हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ राम योर फ्रेंड। और मेरे सामने खड़ी हैं दो ऐसी बाइक्स जो कि परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छी बीस्ट होने वाली है, और दोनों ही आपकी नेकेड सेगमेंट की बाइक है। दोनों ही आपकी सिटी कम्यूटिंग के लिए काफ़ी अच्छी है, ट्रैवलिंग के लिए काफ़ी अच्छी है, मतलब ऑल पर्पज़ बाइक है। क्योंकि मतलब लाइट वेट बाइक्स हैं, अच्छी खासी रेंज मिल जा रही है, अच्छा पावर मिल जा रहा है, अच्छा टॉर्क मिल जा रहा है, ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर मतलब कंपेरिजन करने वाली चीज़ क्या है कि यहाँ पे इंजन का साइज़ ऑलमोस्ट बराबर है। वैसे तो देखा जाए तो ट्रायम्फ जो आपकी स्पीड 400 है, प्राइस के मामले में अगर इसको कंपेयर करो तो एक्चुअल में ये ड्यूक 250 के साथ कंपेयर की जाती है, और वो कंपेरिजन मैं ऑलरेडी चैनल पे डाल चुका हूँ। बट यहाँ पे क्या कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दोनों का इंजन ऑलमोस्ट बराबर है, तो एक बार कंपेयर कर लेते हैं। भाई कर लेते हैं, तो प्राइस की बात कर लें तो जहाँ पे ट्रायम्फ की स्पीड आपकी 285,000 की आती है, वहीं पे जो आपकी ड्यूक है KTM 390 या आपकी 370,000 के आसपास आती है, तो ऑलमोस्ट आपकी 80,000 से 90,000 रुपीज़ का डिफरेंस आ जाता है। तो 90,000 रुपये आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है KTM को, बट उतने पैसे में आपको क्या मिलता है, आपको राइड मोड्स मिल जाते हैं और थोड़े बहुत और एडिशनल फीचर मिल जाते हैं। बट अगर राइड क्वालिटी बात कर ले तो इंजन ऑलमोस्ट बराबर है, पावर फिगर भी काफ़ी ज़्यादा बराबर है। ट्रायम्फ की स्पीड आपकी 40 PS की पावर देती है, KTM आपकी 46 PS की पावर देती है। आपकी इंजन की जो कैपेसिटी है उसकी भी आपकी 399 cc है, और यहाँ पे ड्यूक की भी 399 cc है। तो सेम डिस्प्लेसमेंट के साथ आपकी KTM ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करती है। तो इसका एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि इसके इंजन में ज़्यादा वाइब्रेशंस है। आपकी जो ट्रायम्फ है वो थोड़ी सी ज़्यादा आपको मतलब वाइब्रेशन कम मिलते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा आपको स्मूथ फील होती है चलाने में, ज़्यादा मज़ा आती है रोड पर। लेकिन परफॉर्मेंस में देख लेते हैं कितना डिफरेंस है। टॉर्क में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे आपकी स्पीड जो है वो 37.5 Nm का टॉर्क देती है, वहीं पर आपकी जो KTM है ये 39 Nm का टॉर्क देती है। तो 2 Nm के आसपास का डिफरेंस है। वेट में स्पीड जो है वो आपकी ज़्यादा हल्की है 170 kg के साथ, वहीं पर जो ड्यूक है आपकी वो 178 के आसपास आती है, तो 8 kg का डिफरेंस अच्छा खासा डिफरेंस होता है। तो आप एक बार कर लेते हैं दोनों का परफॉर्मेंस टेस्ट कि अपने सेम इंजन के साथ और 1,00,000 रुपये ऑलमोस्ट सस्ती होने के बाद क्या ये GT को, सॉरी क्या ये ड्यूक को मैच कर पाएगी पावर में। हल्का होने का थोड़ा बेनिफिट उसको मिलेगा, बट एज ए क्लासिक बाइक थोड़े से एरोडायनेमिक्स उसके वीक हैं, क्योंकि लुक्स पे ज़्यादा ध्यान रखा गया है। और लुक्स की अगर बात आ गई तो मैं आपको बता दूँ कि भाई इस लुक में जो प्रीमियम फील होती है वो बाइक, वो मज़ा आ जाती है उसको चलाने में। मतलब हर एक चीज़, हर एक इंजन पार्ट उसका काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होता है। तो भाई देखो, जैसा कि आपको पता है कि 390 है आपकी पॉकेट रॉकेट, तो भाई इनिशियल में तो उसको वो कच्चा देंगे। भाई देख रहे थे, गीली पड़ जा रही थी, बहुत बहुत मतलब बहुत स्मूथ इंजन है यार इसका। आपको मीटर दिख रहा हो, आई होप 6 PS का एडिशनल पावर मायने रखता है, और ये आपको दिख रहा होगा मायने। भाई कितनी आगे निकल गई है 390, कितनी पता नहीं, वो आपको रेस में पता चलेगा, क्योंकि भाई मैं तो पीछे देख नहीं रहा हूँ। बट एक चीज़ है कि इनिशियल में थाड़ू है ये बाइक 174 6th gear, इसका भाई 170 mm लग गया, 390 को नहीं पकड़ पाएगी। बहुत ज़्यादा पीछे रह गई है, जितना मुझे याद है उसकी टॉप स्पीड 170 से अंदर ही आती है, 167-168 पे वो आपकी लिमिटर मारना स्टार्ट कर देती है। ये देखो लिमिटर मार रही है, तो यहाँ पे इस रेस को रोक देते हैं
क्यों? क्योंकि अब ये उसको बीट नहीं कर पाएगी। हाँ देखा था मैंने, लेकिन ये आपकी 174 खट से पहुंच गई। एक लाख रुपए का मतलब, जो मतलब अगर आपको परफॉर्मेंस पसंद है ना, तो इस बाइक को इस प्राइस में कोई मैच ही नहीं कर सकता। बट अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसको चलाने में सिटी में मजा आए, तो भाई ये वो बाइक है, क्योंकि एक लाख रुपए कम रेट में ऑलमोस्ट सेम फीलिंग देती है। और भाई प्रीमियम कितनी दिखती है, तो ये थी आपकी ड्रैग रेस। आपने देखा कि यहाँ पे आपकी जो ट्रायम्प है, वो चाहे आपका इनिशियल हो चाहे आपकी टॉप स्पीड हो, दोनों में ही जीटी आपकी जो 390 ड्यूक है उसको मैच नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है 390 ड्यूक में, और पॉकेट रॉकेट का जो खिताब है ऐसे ही नहीं मिला हुआ। लेकिन कर लेते हैं एक बार राइडर चेंज और देखते हैं कि राइडिंग राइडर चेंज करने के बाद कितना डिफरेंस आता है। वैसे ज़्यादा डिफरेंस आने नहीं वाला है, क्योंकि यार समझ रहे हो ना, जब पहले रेस में परफॉर्मेंस मतलब ज़्यादा वेट होने के बाद भी मैं इजिली आगे निकल गया टॉप एंड में, तो जाहिर सी बात है इससे तो मैं उसको हराने नहीं वाला। तो फिर भी हमेशा से करते आए हैं, तो राइडर चेंज कर लेते हैं, और अब मैं चलाऊंगा ट्रायम्प और भाई चलाएगा ड्यूक। थोड़ा देखते हैं कितना चेंज, कितना डिफरेंस आता है, ये देख लिया जाए। देखो भाई थर्ड गियर बहुत स्ट्रांग है उसका यार, इतना टॉर्क बढ़ गया है ना उसका। थर्ड गियर बहुत स्ट्रॉन्ग है उसका, फिर भी देख लेते हैं, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए। यू नेवर नो, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, बट नहीं हो पाएगा चमत्कार। यहाँ इसका लिमिटर हिट कर गया, लिंडर हिट करता है मुझे लग रहा है, पूरा 170 नहीं जाती है, 167 के आसपास इसका लिंडर हिट करता है। देखो 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 आप, तू देखो, देखा किया आपने, 170 नहीं गई, 170 नहीं गई आप, ये आपकी 166 167 के आसपास लिंडर हिट करता है। आउट ऑफ रीच हो गई भाई, आउट ऑफ रीच हो गई ड्यूक आपकी भाई 174 ऐसे चली जाती है, 174 175, ये क्या ही बताऊं, हलवा है हलवा भाई। तो ये आपकी किस लिए बनाई गई है? ये बाइक आपकी बनाई गई है फील के लिए, और वो बाइक आपकी बनाई गई है एग्रेशन के लिए, पावर के लिए। तो वो चीज़ आपको चलाने में पता चलती है। इसको चलाने में एक थोड़ा सा आपको वो आता है रिलैक्स, कि आप थोड़ा सा मतलब सीनरी इंजॉय कर सकते हो, चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पे ये बाइक बहुत ही ज़्यादा बैड किड है, इसमें आपको पूरे की पूरी अटेंशन इसी को देनी है, किसी और बाइक पे आप अटेंशन नहीं दे सकते, कहीं और अटेंशन नहीं दे सकते, वरना आपसे हो जाएगी चूक, इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस है। तो ये थी ड्रैग रेस, और आप लोग मुझे बताइएगा कि ये कंपैरिजन आपको कैसा लगा। सोशल मीडिया हैंडल मेरा यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ राइड हार्ड राइड सेफ, दिस इज राम सुल्टर साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम। और भाई बाइक्स कौन से आपको इंदौर में ज़्यादा पसंद आई, कमेंट जरूर कीजिएगा।